हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूँ कि जो बैक्टीरिया में है स्टूडेंट्स, हमको दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। फर्स्ट मेथड इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो में वैसे हम सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं वेजिटेटिव मेथड से जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, सिर्फ वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर स्टूडेंट्स जनरली हमको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी देखने मिलती है। ओके, एंड वहाँ पे जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने मिलता भी है तो बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि बहुत ही अनमेच्योर टाइप का होता है। तो इस टाइप में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो ये है, यहाँ पे बिना गैमेट के फॉर्मेशन हुए ही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, एंड इसलिए इसको बोला गया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि हमको बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, एंड इसी को बोला गया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसी को बेसिकली एक और नाम दिया गया है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सबसे पहला टाइप है जो कि हमको इन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो दो मेथड्स के थ्रू पॉसिबल है। फर्स्ट इज अ बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज अ बडिंग। तो चलिए समझते हैं इसको वन बाय वन। तो बाइनरी फिजन क्या है स्टूडेंट्स एग्जैक्टली, कि जो बैक्टीरिया में हमको एक बहुत ही कॉमन मेथड देखने मिलती है रिप्रोडक्शन की, एंड ये जो रिप्रोडक्शन की जो बाइनरी फिजन मेथड है ये तभी होती है जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स की जो सेल है वो साइज में इंक्रीज होती आती है, बड़ी हो जाती है। उसके बाद वो डीएनए की रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की कॉपी करता है, यानी कि एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए, यानी कि दो डीएनए बना लेता है, एंड उसके बाद सेप्टम फॉर्म करता है। अब ये सेप्टम क्या है स्टूडेंट, सेप्टम है एग्जैक्टली पार्टीशन, यानी कि एक सेल से दो जब सेल बनेगी तो किस तरीके से पार्टीशन होगा, तो वो पार्टीशन जो सेपरेटिंग करती है दो चैम्बर्स को, वो वहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। ओके, एंड ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेप्टम फॉर्मेशन, दोनों ही एक साथ साइमल्टेनियसली होती है। ओके, अब पहले क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक ही सेल होती है बैक्टीरिया की, उस एक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उस डीएनए के चारों तरफ पहले एक ही रिंग होता है, फिर एक रिंग से दो रिंग हो जाते हैं वहाँ पे। ओके, दो रिंग बनने का मतलब है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है डीएनए का। इसके बाद उसी के साथ में क्या होता है कि वहाँ पे सेप्टम भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो सेप्टम यानी कि जो पार्टीशन बनना स्टार्ट होता है वो होता है इनवेजिनेशन मेथड से, आई मीन इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है, मुड़ना शुरू हो जाती है, ताकि वो दो सेल में डिवाइड हो सके। ओके स्टूडेंट्स, एंड जैसे ही सेप्टम जो है कंप्लीट हो जाता है, सेप्टम बनना, उसके बाद क्या होता है जो सेल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, इस सारी चीज़ों को मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाने वाला हूँ, तो उससे ये टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अलावा ये माना गया है यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन एंड जो सेप्टम फॉर्मेशन हो रहा था, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस बैक्टीरिया के सेल के मेसोसोम्स, यानी कि मेसोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के रेप्लिकेशन में एंड सेप्टम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि स्फेरिकल या फिर कोक्साई बैक्टीरिया की, जो कि स्फेरिकल शेप में होता है, वो डिवाइड हो सकते हैं किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें एक रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया, तो वो डिवाइड होता है उसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अकॉर्डिंग ही ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं कि एक बैक्टीरिया की जो सेल होती है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये हर 20 मिनट में डिवाइड होती है, यानी कि एक सेल से दो सेल बन जाती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की सेल इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगी, इतनी तेज़ी से डिवाइड होगी, यानी कि हर 20 मिनट में जब एक बार होगा ऐसा, तो 24 आवर्स में हमको 4.7 × 10^21 बैक्टीरिया की सेल देखने मिलती है, वो भी सिर्फ एक सेल से। बट स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो बैक्टीरिया सेल है वो कभी भी अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती इस रेट से जो कि हम बात कर रहे हैं, यानी कि
24 घंटे के अंदर 4.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21 बैक्टीरिया की सेल बन जाए, वो भी सिर्फ एक बैक्टीरिया की सेल से। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो जनरेट होती है वो डीजनरेट हो जाती है आफ्टर द सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद वो खुद ही मर जाती है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड एंड स्पेस की वहाँ पे स्कैर्सिटी यानी कि कमी हो जाती है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसको फूड एंड स्पेस नहीं मिलेगा तो डीजनरेट यानी कि मर तो डेफिनेटली जाएगा। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस टाइप का रिप्रोडक्शन हमको देखने मिलता है एस्केरिकिया कोली बैक्टीरिया के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़े थे उसी चीज़ को यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया गया है कि हमारे पास क्या है। एग्जैक्टली ये एक बैक्टीरिया की सेल है जो कि पहले बड़े होते आती है, एंड ये जो डीएनए की रिंग है उसके चारों तरफ पहले एक ही रिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे डबल रिंग दिख रहा है आपको, एंड डबल रिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली ये एक सेप्टम जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ओके, ये सेप्टम है एंड यहाँ पे एक डीएनए से दो डीएनए बन चुके हैं, यानी कि रेप्लिकेशन हो चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ से फिर इससे सेप्टम यानी कि एक सेपरेटर यानी कि पार्टीशन बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड ये एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते आते हैं, एंड एट द एंड एक सेल से दो सेल हमको मिल जाती है। तो इस टाइप से ये हमको देखने मिलता है बाइनरी फिजन। चलिए बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सेकेंड मेथड, दैट इज बडिंग के बारे में। वैसे तो आपने बडिंग की प्रोसेस जो है क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, ओके, फिर भी चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि बडिंग की इस मेथड में स्मॉल सी एक आउटग्रोथ हमको देखने मिलती है उस बैक्टीरिया के बाहर। यानी मान लीजिए जैसे कि हमने हाइड्रा देखे थे, हाइड्रा में एक क्या था इस टाइप से, एक हाइड्रा था एंड उसके रूट से फिर और एक हाइड्रा इस टाइप से जनरेट हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पे एक आउटग्रोथ इस टाइप से एक बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है बैक्टीरिया सेल के, एंड उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि यहाँ जो यहाँ का साइटोप्लाज्म था वो सिंपली धीरे धीरे इस आउटग्रोथ में भी हमको देखने मिलता है। ना केवल साइटोप्लाज्म बल्कि अदर जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ये जो आउटग्रोथ हमको देखने को मिलती है इसी को हम बोलते हैं बड्स। ओके, एंड एक टाइम के बाद जब ये बड्स जो हैं मैच्योर हो जाते हैं, जब वो इतने रेडी हो जाते हैं कि अपने आप को खुद सर्वाइव कर सकते हैं एज पर द कंडीशंस, तो उसके बाद ये जो बर्ड है वो सेपरेट हो जाता है अपने मदर सेल से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मदर सेल जो एक नए बैक्टीरिया को जनरेट करती है। तो अगर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि किस बैक्टीरिया में हमको इस टाइप की बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो वो है हाइफोमाइक्रोबियम वल्गियर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।